नानी। सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस तरह का ही स्टेटस वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो कैपकट एप्लीकेशन से आप इफेक्ट्स ट्रांजेक्शन वाले जो स्टेटस वीडियो होते हैं उसको कैसे एडिट कर सकते हो। तो वीडियो को गाइज विदाउट स्किप के पूरी लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो गाइज, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लेना, वहाँ पर मैंने उस मैसेज को पिन कर दिया है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले कैपकट को डाउनलोड करने के बाद में एक और चीज़ आपको डाउनलोड करना है, VPN। तो कोई सा भी VPN को आपने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर एप्लीकेशन से जाके। तो यहाँ पर जो मैंने VPN जो यूज करने वाला हूँ उसका नाम है सिक्योर VPN, ठीक है, जिसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर गाइस, यहाँ पर कनेक्ट की ऑप्शन आएगा, तो जस्ट वेट करते हैं। और जैसे कनेक्ट की ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर कनेक्ट की ऑप्शन में आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये कनेक्ट हो गया है, ऊपर से देख रहे हो एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जी, ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस सिंपली हमने कनेक्ट कर लिया है। अब आपको करने के कैपकट को ओपन कर लेना है। गाइस, इस वीडियो के एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज किया, जैसे कि वीडियो हो गया, उसके बाद में सॉन्ग हो गया, तो गाइस सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके अपने एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने करना है क्या, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर हमारे वीडियो की ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ पर अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर ना मैं अपनी वीडियोस को, यानी कि जो वीडियो मुझे चाहिए ना, उन वीडियोस को मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐड पे क्लिक कर लेंगे तो जितना भी आपने वीडियो सिलेक्ट किया होगा उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, सभी वीडियो यहाँ पर ऐड तो हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलेगा नीचे की तरफ फॉर्मेट का, तो इस फॉर्मेट के ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप 9:16 में करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने साइज सिलेक्ट किया था 3.4 का, तो 3.4 के साइज में रहने देना है। और गाइस देखो, इस वीडियो को आपने जूम करके फुल स्क्रीन नहीं करना था। देखो मॉडल की फोटो वगैरह, यानी कि गाइस पार्ट कट जाते हैं, नीचे ऊपर से हेड वगैरह कट जाएगा, इसलिए इसको जो साइज है ना 9:16 उसी में रहने देना है, बस ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब देखो, हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड ऑडियो पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास MP3 है तो गाइस साउंड के ऑप्शन में चले जाना है, और यहाँ पर सिंपली, तो गाइज अभी देखो ये VPN शायद कनेक्ट नहीं हुआ है, तो एक बार मैं इसको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो आपने साउंड के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर अपने फाइल को सिलेक्ट करके फॉर्म डिवाइस पर क्लिक कर लेना। अगर आपके पास कोई MP3 है तो MP3 सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने MP3 का लिंक दिया, जहाँ भी होगा सिलेक्ट कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो से एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। और अगर यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक कर दूंगा तो ये साउंड आ जाएगा। अब देखो, आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने सॉन्ग के हिसाब से बीट को मैच करना है गाइस, तो ठीक है। तो मैच करने के लिए आपने क्या करना है, सॉन्ग पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैच कट के ऑप्शन में आ जाना है। जैसे आपको लगे कि सॉन्ग को प्ले करना है और जैसे लगे कि यहाँ पे एक बीट लगना चाहिए, तो ऐड बीट मार्क पर क्लिक कर लेना, तो एक बीट लग जाएगा। अगर मिस्टेकली वो लग जाएगा तो डिलीट भी करना चाहते हो तो डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ लगा लेना, जहाँ भी आपको सॉन्ग को सुन सुन के लगाना है यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देना है। देखो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, बस सॉन्ग को सुन सुन के आपको अपनी बीट मार्क को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ लगा देता हूँ, फिर गाइस देखो इधर भी है तो मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इधर पता है आपको एक एक करके ऐसे करके आपको लगाना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, ठीक है, इधर भी लगा लेता हूँ, इधर भी लगा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से अपने एंड तक अपनी बीट को ऐड कर लेना होगा। अब आपने क्या करना है, बीट के साथ में अपनी जो वीडियो होगा उसको ऐड करना है। तो वीडियो को हर एक पार्ट तो भाई अच्छा नहीं होता है, तो मैं जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी ये पार्ट अच्छा लग रहा है, तो स्प्लिट के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे तो बीच में कट लग जाएगा, बाकी इधर की स्टार्टिंग पार्ट को हमने डिलीट कर देना है। वीडियो को टैप करके इसकी वॉल्यूम को जरूर म्यूट कर लेना, ठीक है, म्यूट कर रखा हूँ। अब इसको मैं बीच से फिर से कट लगा लूंगा, ठीक है। देखो, वीडियो को क्लिक करके बीच से कट लगा लूंगा,
एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेंगे। फिर से गाइस यहाँ पर देखो 20 आपको कट लगा लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है, इनकी जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा डिलीट कर लेना है, और वीडियो को टैप करके वैल्यूम को ज़रूर म्यूट कर लेना, ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखना है। फिर इधर भी क्लिक करके इसकी वैल्यूम को मैं म्यूट कर लेता हूँ, तो बीट के साथ में आपने यहाँ पर मैच कर लेना है गाइस, ओके। तो यहाँ पर देखो मैं इधर भी क्लिक करके यहाँ पर मैच कर लेता हूँ, ठीक है, इधर भी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर बीच में कट लगा देता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेंगे, ठीक है। इधर भी क्लिक करके मैं कट लगा देता हूँ गाइस, बीच में स्प्लिट के ऑप्शन में क्लिक करके। तो देखो गाइस ये चीज ना आपको जरूर अपने आप ही करना होगा, क्योंकि भाई देखो बीट तो आपको पता है, बीट को आपको सॉन्ग को साथ में मैच करना होता है, तो सुन सुन के आपको ध्यान से करना है, ठीक है। इधर भी क्लिक करके कट लगा लूंगा और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहां से ट्रिम कर लूंगा। इधर भी क्लिक करके कट लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे गाइज कुछ इस तरह से। अब अपने बीच में यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी है कट लगाते जाना, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो का ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एंड में आपने देखा होगा कि एक ही वीडियो को मैंने ऐड किया था, तो अपने अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आपको ये खुद ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब इतना देखो हमने बीट के हिसाब से ऐड कर लिया है, तो अपनी फोटो पर गाइज अब हम यहाँ पर इफेक्ट को लगाने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। जैसे फर्स्ट फोटो पर मैं क्लिक कर लूँगा और एनिमेशन के ऑप्शन में आके कॉम्बो वाले में आ जाएंगे। अब जो मैंने पहले जो इफेक्ट यूज किया था उसका नाम था जूम वन, तो जूम वन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी सेकंड इतनी ही रहने देना है। फिर सेकंड फोटो पर क्लिक कर लेना है, एनिमेशन में आके कॉम्बो में आना है, कॉम्बो में, और यहाँ पर जूम टू सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमने गाइस ऐसे ही रहने देना है, फिर उसके बाद हमने क्लिक कर लेना है, और उसके बाद जो मैंने यूज किया था स्पीड का, तो स्पीड पर आ देना है और नॉर्मल में आके इसको 0.5 कर लेंगे, ठीक है, और डन कर लेना है। अब इसकी गाइस ड्यूरेशन को अपने बीट तक रख लेना है कुछ इस तरह से, और नॉर्मल में आके यहाँ पर मेक इट स्मूथर पे क्लिक करके बेटर क्वालिटी पे क्लिक करके डन कर लेना। तो जैसे आपने लास्ट में देखा था जो फोटो गाइस जो स्मूथ यानी वीडियो जो स्मूथ होता है ना स्लो मोशन वाली, वो स्मूथ वाली इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से। फिर एक फोटो को छोड़ देना है, यहाँ पर जो भी इफेक्ट आपको ऐड करना चाहते हो एनिमेशन में चले आना, कॉम्बो में आना, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा गाइस। जो भी इफेक्ट आपको ऐड करना है अपने अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, बस आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फिर इधर भी क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे स्पीड में आके गाइस नॉर्मल में आके पहले इसकी स्पीड को 0.5 करेंगे और यहाँ पे इसको बीट तक गाइस यहाँ पे ले आके कर लेना है, ठीक है, और नॉर्मल में आके गाइस स्मूथर वाले में आके बेटर क्वालिटी पे क्लिक करके इसको गाइस डन कर लेना है, तो ये भी स्मूथ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस करना है, अब इधर भी आपको कुछ इस तरह से ही करना है। अब देखो बीच में ना एक भाई हमने यहाँ पर ना फ्लिकर वाली इफेक्ट आपने देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इधर आना है, अब फ्लिकर वाले इफेक्ट को हमने क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे बैक हो जाएंगे तो हाफ फोटो पे ही हमें ऐड करना है फ्लिकर वाली इफेक्ट, ठीक है। तो ओवरले सॉरी इफेक्ट के ऑप्शन में आके वीडियो इफेक्ट में आना है और यहाँ पर जो हम इफेक्ट यूज करने वाले हैं, देखो नीचे की तरफ आओगे तो ब्लैक फ्लैश नाम का ये इफेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके एडजस्ट पर क्लिक कर लेना, स्पीड को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग गाइस बढ़ा लेना और डन कर लेंगे। अब इसको स्पीड को बढ़ाने के बाद में गाइस इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, यहाँ तक कम कर लेंगे, ठीक है। अब भाई यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। अब एंड में आपने देखा था कि भाई स्मूथ बहुत तगड़ी वाली थी, तो स्मूथ करने के लिए आपको एक वीडियो को छोड़ना है, दूसरी वीडियो को सिलेक्ट करना है, स्पीड में आना है, नॉर्मल में आना है और यहाँ पे इसको पूरा 0.1 कर देना है और डन कर लेना है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को आप ट्रिम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से खींच के लाना है आपको, ऐसे करके खींच के लाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खींच के ला सकते हो, नहीं तो बीच में कट कर लेना और इसको डिलीट कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना गाइस और यहाँ पर स्पीड पर आके नॉर्मल में आके फिर से मेक इट स्मूथर पर क्लिक करके बेटर क्वालिटी पर क्लिक करके डन कर लेना है। तो ये चीज़ आपको करना है, देखो अब ये भी स्मूथ हो चुका होगा, लेकिन गाइस ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर कट नहीं लगाना है, उसको आपको खींच के ही लाना पड़ेगा। तो इसको भी टैप करके स्पीड में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे, 0.1 कर लेंगे, डन कर लेंगे। अब इसको मैं खींच के ही ला के आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करके खींचना ही नहीं तो क्या जो पार्ट ने कट जाता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट में करके दिखा दिया, तो आपने बिल्कुल गाइज ऐसे करना है जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इधर भी क्लिक करके हम कर लेते हैं भाई, तो यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और स्पीड में आपने आ जाना है और यहाँ पर नॉर्मल में आके फिर से इस पर क्लिक करके बेटर क्वालिटी पे क्लिक कर लेना है। तो एंड की जो वीडियो होगा ना, एक वीडियो को छोड़ के हर एक वीडियो में, जैसे कि जहाँ से फ्लिकर इफेक्ट हमारा स्टार्ट होगा, देख सकते हो एक वीडियो नॉर्मल है, एक वीडियो स्मूथ है, फिर से एक वीडियो नॉर्मल है, एक वीडियो स्मूथ है, ऐसे करके आपने एंड में इफेक्ट को ऐड करना है। अब देखो बीच बीच में आपने कुछ फेड के इफेक्ट भी यूज करने, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और यहां पर देखो जैसे कि इस पे क्लिक कर लेना व्हाइट वाले पे, और यहां पर देखो बेसिक में आओगे तो आगे की तरफ आना, तो यहां पर कुछ आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि गाइस यहां पर देख सकते हो, मैं आगे की तरफ आता हूं तो यहां पर मुझे कुछ इफेक्ट मिल जाएंगे।
अभी दिखा देता हूँ ब्लैक फेड का, तो सिलेक्ट करके इतना कर लेना है, फिर से नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है, फिर से गाइस यहाँ पर वाइट, एक वाइट वाली भी होगा, सॉरी यहाँ पे ब्लर वाला मैंने कर दिया है, तो यहाँ पर वाइट फ्लैश का भी होगा तो इसको भी क्लिक करके इतना कर देना है। अब गाइस इधर भी क्लिक कर लेना और यहाँ पर गाइस अलग अलग टाइप का आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर फ्लैशिंग वाला है तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ध्यान से, अब फ्लोट लाइट है इसको भी सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ सब भाई आपको ध्यान से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भाई आपने कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमारी वीडियो फाइनल जब हो जाएगी, इतना कुछ हर एक चीज़ आप जब कर लोगे, तो उसके बाद में गाइस यहाँ पर ना आपको ना इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर, तो सॉरी यार यहाँ पे मैसेज आ गया, तो सेव करने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन को टैप कर लेना है और इस वीडियो को हमने यहाँ पर सेव कर लेना है। अब देखो भाई मैं इस सेव करके इसको पहले रख लेता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो एडिट किया था, तो जब मैंने सेव किया था तो सेव तो हो गया, लेकिन अलाइट मोशन में अब हमें HDR इफेक्ट को ऐड करना है। तो जब HDR इफेक्ट ऐड करने गया तो पूरा वीडियो ही क्रैश हो गया भाई, पूरा अलाइट मोशन ही क्रैश हो गया, तो मेरा वहाँ पर वीडियो भाई बन नहीं पाया, तो इसलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर सेव कर लेना है इस वीडियो को। अब हम अपनी अलाइट मोशन ऐप में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं यहां पे अलाइट मोशन में आ चुका हूं। अब अलाइट मोशन में हमने क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके 4.5 की साइज को हमने सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। अभी प्लस में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आकर अपनी उस वीडियो को हमने ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद में बैक हो जाएंगे और यहाँ पे एक HDR इफेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसे आपने अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से HDR मिलेगा। तो प्लस में क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर पे क्लिक कर लेना, फिर प्लस में क्लिक करके कॉपी टू लेयर करके इसको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद अपनी बीट मार्क में आ जाना, यानी कि गाइस उसी वीडियो वाले पार्ट में आ जाना है, और प्लस में क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर लेना। अब इतना करने के बाद में ये हो चुका है गाइस, अभी आपने शेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, और ये एक ऑसम इफेक्ट्स वीडियो बन चुकी है। मैंने कैप कट में इसलिए आपको HDR इफेक्ट नहीं ऐड करके दिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता। अगर आप कैप कट के ऊपर में और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करो, और वीडियो का कोई पार्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो कॉमेंट में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।